कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार इसे देख लो, पहले ये देखो, ये है वॉल सपोर्ट, जो कोरिंग मशीन है ना उसका सपोर्ट जैक है। ये यहाँ पे ड्रिल मार के इस वॉल के अंदर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर कोरिंग मशीन बैठेगी जो कि पूरी तरीके से ये हो। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है भाई साहब 10 लीटर का एलटी कंपनी का वाटर, पानी 10 लीटर स्टोर होगा इसमें, प्रेशर से वो पानी कोरिंग मशीन के अंदर जाएगा। और ये जो चीज़ है वो है ड्रिल मशीन, जिसके साथ 12 मिली का बीट लगा हुआ है 12 mm का, और ये अपने टूल से जो रेगुलरली यूज होंगे। तो एक्चुअली ये चीज़ का काम क्या करेंगे, कोरिंग मशीन नीचे मैं वो भी दिखा दूँगा आपको। आप ये देख रहे हो, ये दो मार्ग देख रहे हो, दोनों में जो ये है ना, ये कॉन्क्रीट का वाल है, इसको हमें काटना है, जो ये गोल है ना इसके प्रति इसको कटिंग करके पूरा आर पार निकाल देना है। तो ये ऐसा ही नहीं कटेगा, कोरिंग मशीन के साथ कटेगा। मैं आपको सेटअप बताऊंगा कैसे करना है क्या नहीं है, इसे भी लगा के दिखाऊंगा, फिर वो मशीन कोरिंग मशीन भी अपना जोड़ के दिखाऊंगा कैसे चलते हैं वो भी करके दिखाऊंगा। मेरे साथ वीडियो में लगे रहिए आप लास्ट तक, मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कैसे करना है क्या नहीं करना है। और ये जो है ना, ये वाटर है, पानी इसके अंदर 10 लीटर स्टोर होगा और वो पानी से मशीन के अंदर जाएगी, मशीन फिर उसको कटिंग करेगी ब्लेड के थ्रू। पानी लाजिम ज़रूरी है, इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। ओके, तो ये आप देखो कैसे काम करता है। लेकिन फिलहाल में यार आज लगता नहीं कि काम होगा। ये प्रेशर बताता है कितना प्रेशर में काम करेगा, ये एयर लीक है, सारा कुछ उसका सिस्टम है ये पूरा, आप देख सकते हो कैसे है क्या नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम हमारा ये है, अभी तक स्टार्ट हो जाता, अभी 10:30 बज गए, अभी तक स्टार्ट हो जाता, मगर स्टार्ट नहीं है। किस वजह से मालूम है? ये जो मार्क दिए है ना, ये मार्क सही नहीं है, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। अगर मार्क सही है ना, तो जो साइज का वो लोग बोल रहा है कि हमें निकालना है, जैसे देखिए छोटा वाला ये गलत हो गया है, उनको चाहिए थोड़ा बड़ा, जैसे 10 सेंटी का है उनको चाहिए 15 सेंटी का, मतलब 100 mm का है, 150 mm का होल करना है यहाँ पर, 6 inch का पाइप आएगा, वही 150 mm का पाइप आएगा, तो 150 mm का होल करना है। और 150 mm का होल करने के लिए जो पाइप चाहिए वो पाइप हमारे पास है नहीं, इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, शायद आएगा परमिशन जो भी है उसके हिसाब से, तो हम आपको ये फिट करके बताएंगे कैसे लगाना है, फिट कर रहा है और कैसे वर्क करता है ये भी दिखाएंगे और कैसे क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक रहोगे, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल है, हमें सब्सक्राइबर चाहिए, तो ऐसे बात सब्सक्राइब और लॉक कर देना। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो हम हाइट कितने ऊपर में, जरा देख लो कितना हाइट पर हूँ, वो देखो कितना नीचे है, और हमारा काम देखो कितना हाइट है, पूरा एकदम ऊपर में, अभी हमें स्कैफोल्डिंग के ऊपर में, और जो कि किया हुआ है काम बना रहा है, ठीक है ना, स्कैफोल्डिंग के ऊपर में हूँ, और हमारा कोरिंग मशीन भी दिखा रहा हूँ, देखो नीचे बंदे जा रहे आ रहे, हमारा कोरिंग मशीन फिलहाल नीचे है, वो है कोरिंग मशीन, देख रहे हो वही है, उसके आगे जो पाइप है ना वही साइज का पाइप नहीं हो, 10 सेंटी वाला है, उनको चाहिए 15 सेंटी का होल के लिए, 15 सेंटी का पाइप। ओके, तो आप देखो कितना डेंजर जगह पर हूँ मैं फिलहाल। खैर कैसे सेटअप करते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, प्रोसेसिंग आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक रहिए।